जय बोलेगी फ्रेंड्स। अब हम चल पड़े हैं अपनी यात्रा शिवखोड़ी के लिए। चलिए चलें और रास्ते में जितने पॉइंट्स पड़ेंगे हम आपको सारे दर्शन करवाते करवाते शिवखोड़ी की ओर लेके चलते हैं। चलिए बने रहिए मेरे चैनल दिल्ली मस्ती के साथ। फ्रेंड्स देखिए मेरे पीछे चेनाब नदी है, कितना अच्छा और तेज़ पानी का फ्लो है। यहाँ पे राफ्टिंग करवाई जाती है, 7 किलोमीटर्स मिनिमम आपको राफ्टिंग यहाँ करना रहता है, जिसका चार्जेस 1000 रुपीज़ अभी बताया गया है हमें। और मुझे लगता है अगर आप राफ्टिंग यहाँ करेंगे तो जितना भी आपको ट्रैवल का थकान वगैरह है वो दूर हो जाएगी। और मेरा मन हो रहा है मेरे को नीचे जाके बैठने का। अच्छा शानदार व्यू है, पीछे पूरे पहाड़ हैं, नीचे ठंडी ठंडी नदी बह रही है। और अगर आप राफ्टिंग यहाँ करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका पानी के अंदर, क्योंकि जब जो राफ्ट होती है वो ऐसे ऐसे गोते खाती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। अभी हम चल रहे हैं शिवखोड़ी और फिर हम देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम राफ्टिंग करेंगे। बम बम बोले फ्रेंड्स, अभी हमने अपनी यात्रा आरम्भ कर दी है शिवखोड़ी के लिए। 1/2 किलोमीटर के लगभग पीछे टैक्सी स्टैंड है, यहीं पर आपको टैक्सी छोड़ देनी होती है और फिर 1/2 किलोमीटर के लगभग पैदल जाके यात्रा आरंभ करनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बम बम बोले फ्रेंड्स, आप देखिए श्री शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड है ये, उनका यहाँ पे काउंटर है, यात्रा पर्ची काउंटर। आपको मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप ऑनलाइन पर्ची निकाल के आएँ, वरना आपको यहाँ लाइन में लग के पर्ची लेनी पड़ेगी। और शिव के द्वार जाने का जो मार्ग है वो इस तरफ है, आइए चलें। फ्रेंड्स हम चेक इन करवा के, यात्रा पर्ची का चेक करवा के हमने एंट्री ले ली है। अब यहाँ से हमारी यात्रा का शुभारंभ होता है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे घोड़े हैं, पालकी है। घोड़ों का 500 रुपये फेयर है एक साइड का और पालकी का 1500 जाना आना। फ्रेंड्स अब यहाँ से हम एंटर करेंगे, यात्रा स्लिप काउंटर आने वाला है। शिवखोड़ी की जो केव है 2.5 किलोमीटर पे है, पोनी टेल 100 मीटर पे काउंटर मिल जाएगा, लेकिन पीछे से यहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और बाथिंग घाट जो है वो 150 मीटर पे है, थोड़ा सावधान रहे, बंदर बहुत है। बम बम बोले, बम बम बोले। ये देखिए यहाँ से कितने अच्छा निर्मल जल आ रहा है गंगा जी का। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। ये जो ट्रैक है गुफा तक का ये 3.5 किलोमीटर का है, आइए चलें। बम बम बोले। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे पोनी स्टैंड है, आप यहाँ से पोनी लेके आगे बढ़ सकते हैं। घोड़े का जो आने जाने का चार्ज है वो 500 रुपये है और वन साइड चार्ज जो है वो 300 रुपये है। चलिए बढ़ते हैं। बम बम बोले बोलते चलें, आगे बढ़ते चलें। बम बम बोले, बम बम बोले। फ्रेंड्स कुछ श्रद्धालु नंगे पैर ही यात्रा करते हैं, एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पे शेड्स नहीं है, जैसे वैष्णो देवी कटरा में हमने देखा था कि शेड्स रहते हैं, यहाँ पे शेड्स नहीं है, पूरा ओपन है। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि शूज़ कुछ भी चप्पल वगैरह पहन के यात्रा करें। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, वैष्णो देवी कटरा की यात्रा 24 घंटे चलती है, यहाँ की यात्रा आपको डे टाइम में ही करनी रहती है और गर्मियों के टाइम पे धूप बहुत तेज़ रहती है। फ्रेंड्स हमने 150 से 200 मीटर अभी कवर किया है, जस्ट स्टार्ट ही किया है थोड़ी देर पहले, और हमें अभी तक में 2 रेस्टिंग शेल्टर्स मिल चुके हैं जहाँ पर आप बैठ के थोड़ा आराम कर सकते हैं। हर हर महादेव। फ्रेंड्स पहला मंदिर जो हमें रास्ते में मिला वो शनि महाराज का, आइए दर्शन करें। जय हो शनिदेव। शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं, हम सबको बहुत डर लगता है किसी के ऊपर शनि की 7.5 या कुछ भी चल रहा हो तो हम बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन वो उन्हें ही दंड देते हैं जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे पाप कर्म होते हैं, हमें उन्हीं का दंड मिलता है, ये सिर्फ न्याय करते हैं। जय हो शनि महाराज।
फ्रेंड्स 2:05 पे हमने जर्नी स्टार्ट की थी, 2:20 हुए हैं इस समय और 3.5 था स्टार्टिंग में, अब 2.2 किलोमीटर अहेड जाना है। चलिए चलते हैं, भोले का नाम लेते चलते हैं, जय भोले की। फ्रेंड्स यात्रा के आरंभ के बाद 1.25 किलोमीटर के बाद आपको पानी का पीने के लिए फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, ये ड्रिंकिंग वाटर है, देख सकते हैं ठंडा पानी आ रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ने के बाद टॉयलेट की व्यवस्था भी हमें दिखाई दे रही है, आप टॉयलेट यूज़ करना चाहें तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। फ्रेंड्स यात्रा के दौरान हमने देखा कि स्टार्टिंग से लेके मिड तक हम आ चुके हैं, ना तो हमसे किसी ने यात्रा पर्ची चेक की, ना ही कोविड सर्टिफिकेट चेक किया और ना ही RT-PCR चेक किया। मास्क फ्री यहाँ पे भी सब लोग बाबा के दर्शन करने चलते चल रहे हैं। हमने हाफ वे क्रॉस कर लिया, अब हम बैठ गए हैं, टाइम 2:35 होने वाला है, 1-2 मिनट कम ही है, 2:35 मानिए। फ्रेंड्स अभी हमने भैया से माजा ली और ये 1 किलोमीटर आगे बाबा की गुफा है, यहाँ पे आपको पीने के लिए नींबू लेमन, हीरा खाने के लिए और भी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, हर हर महादेव। फ्रेंड्स पीछे हमने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, 2:50 हो रहे हैं 1 किलोमीटर अहेड, अब बस 1 किलोमीटर और बाबा दूर है हमसे, चलिए चलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स ये नीचे जाने का जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये बाथिंग घाट है, यहाँ पे आप जाके स्नान कर सकते हैं, ये जो जल आ रहा है ये ऊपर गुफा से आ रहा है, इसे दूध गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स ये आप 2 बकेट्स देख पा रहे हैं, बकेट नहीं टब देख पा रहे हैं, ये जो टब है इसमें ये जो फ्रूट्स से आपको दिख रहे हैं ये फ्रूट्स नहीं है, ये रुद्राक्ष हैं, रुद्राक्ष के फल हैं, इनको छील के इनमें से ऐसे रुद्राक्ष निकल आता है, ये लॉटरी के टिकट की तरह है, एक मुखी निकलता है या 4 मुखी या 5 मुखी, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। इस समय पे भैया 100 रुपये के 5 दे रहे हैं और बम बम बोले। अगर आप किस्मत को ना आजमाना चाहें तो ये कुछ निकले हुए भी रखें, जैसे आप देख सकते हैं ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, इसको कैसे जानते हैं दिखाती हूँ मैं, ये लाइंस दिख रही हैं आपको, 1, 2 और 3, ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, ऐसे ही मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये भी 3 मुखी है, 1, 2 और 3, ये भी 3 मुखी रुद्राक्ष है और ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है, ऐसे आपको 14 मुखी रुद्राक्ष तक इसमें मिल जाते हैं। किस्मत आजमाना चाहें तो फ्रूट्स में से निकलवाएं, अदरवाइज इसमें से कोई भी चूज़ करके आप लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स हमने 5 रुद्राक्ष ले लिए हैं अपने लिए, ऊपर जाके भगवान जी को भोले बाबा को चढ़ाएंगे और फिर प्रसाद स्वरूप लेके आएंगे और उसके बाद छिलवाएंगे, अभी हमने छिलवाए नहीं है ऐसे क्योंकि ये फल के रूप में होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये विद छिलका है, ये देखिए ये विद छिलका है, ठीक है चलिए चलते हैं ऊपर, जय भोले की। 100 मीटर और दूर है गुफा हमारे से, बढ़ते हैं आगे, बम बम बोले। फ्रेंड्स शॉर्टकट मिला है पहला, थोड़ा सीढ़ी का रास्ता है पहाड़ी एरिया टाइप में, आइए चलते हैं, जय भोले की, जय भोले की। प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं है ये पहाड़ों की काट के ही थोड़ा सा बनाया गया स्टेयर्स का फॉर्मेट में, जय भोले की। हर हर महादेव, हर हर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे पोनी स्टैंड है, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है भोलेनाथ की गुफा, हर हर महादेव। चलिए जय भोले की, 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 जय भोले की।
चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस गुफा की खोज कैसे हुई। इस गुफा की खोज एक चरवाहे ने की थी। उस चरवाहे जो है अपनी भेड़ें बकरियों को चरवाने के लिए निकलते हैं। कुछ बकरियां और भेड़ें उनकी खो जाती हैं, तो वो उनकी खोज में निकलते हैं। जब वो उनकी खोज में निकलते हैं तो वो इस गुफा तक आ पहुँचते हैं, और तब इस गुफा का पता चलता है कि ये भोलेनाथ की गुफा है। उसके बाद से वो इस गुफा का अनुभव अपने प्रियजनों से आगे डिस्कस करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाती है। बम बम बोल, जानते हैं इस गुफा का निर्माण कैसे हुआ था? भोले बाबा की घोर तपस्या करते हैं भस्मासुर। भस्मासुर को भोलेनाथ तो हैं ही भोले, वरदान दे देते हैं। वो क्या वरदान मांगते हैं कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। अब इस वरदान को वो टेस्ट किस पे करते हैं? भोलेनाथ पे, कि चलो आपने वरदान दिए, आप ही पे टेस्ट करते हैं कि आप भस्म होते हो या नहीं। अब वो भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे भाग पड़ते हैं। अब भोलेनाथ बेचारे हैं ही भोले, भोलेनाथ भागते भागते त्रिशूल छोड़ते हैं। त्रिशूल छोड़ने से क्या होता है, इस गुफा का निर्माण हो जाता है और भोलेनाथ इस गुफा में जाके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ये गुफा जो है बहुत पुरानी और रहस्यमय है। इस गुफा का जो रास्ता है, एक स्वर्ग की ओर खुलता है और एक अमरनाथ की गुफा की ओर। इस गुफा के अंदर एक और गुफा है जिससे रास्ता जो है पूरा अमरनाथ की ओर जाता है। कई साधु संतों ने उस गुफा की ओर बढ़े, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आ पाए, इसलिए उस गुफा को बंद कर दिया गया। फ्रेंड्स, ये जो गुफा है ना, इसकी जो शेप आकृति है वो डमरू के शेप में है, और इसका संरक्षण स्वयं शेषनाग कर रहे हैं। आप देखेंगे ऊपर से जो रक्षा कर रहे हैं वो शेषनाग कर रहे हैं। पूरे शेषनाग का फन ऐसे बिखरा हुआ, ऐसे फैला हुआ आपको दिखाई देगा। और इस गुफा की जो लंबाई है वो आधा किलोमीटर है, जिसमें से कि हम जैसे और भी श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ 130 मीटर्स ही अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की जो आकृति है वो डमरू के शेप में है, और ऊपर जो है शेषनाग की आकृति है जो कि इस गुफा का संरक्षण कर रहे हैं। फ्रेंड्स, देखिए हम गुफा तक पहुंच चुके हैं। 3:25 हो रहे हैं, 2:05 पे हमने चढ़ाई शुरू की थी, 1.25 घंटे में हम गुफा तक पहुंच चुके हैं। और मैं अब आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे लड्डू प्रसाद अवेलेबल है, मेरे राइट हैंड की तरफ भेट प्रसाद अवेलेबल है, और ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं क्लॉक रूम के लिए। आप यहाँ पे अपना मोबाइल और भी जो भी आप सामान लाया है यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ठीक मेरे पीछे शिवकोड़ी की गुफा है। हमारे दर्शन हो गए, बहुत बहुत बढ़िया दर्शन हुए। जैसे ही हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं, सबसे पहले हमें मिलते हैं एक काला सा कुंड सा दिखता है, जहाँ पे बताया जाता है पुराने टाइम पे साधु संत योगी जो हैं यहाँ पे धुनी रमाया करते थे। उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें शेषनाग जी का ऐसा फन फैला हुआ ऊपर दिखता है चिन्ह। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पता है क्या दिखता है? माता रानी की रसोई। वो पूरा आप जैसे एंटर करेंगे ना गुफा में, आपको गुफा पूरी काली काली सी लगेगी, जैसे लगेगा कि आग लग गई थी क्या यहाँ पे। तो पता लगेगा कि नहीं, वहाँ पे ऊपर बहुत ऊपर टॉप पे थोड़ा सा ऊपर ऐसे दो शेप में ऐसे सा बना हुआ है कुछ, वो वहाँ पे माता रानी की रसोई थी, माँ पार्वती की। आगे बढ़ते चलतेंगे ना जहाँ जहाँ, आपको थोड़ा थोड़ा पानी की ड्रॉप्स गिरती चलेंगी, माँ गंगा का प्रसाद है ये। बढ़ते चलेंगे, फिर जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको नीचे गुफा में जाना पड़ेगा। आपने मेरी नैनीताल वाली वीडियो देखी है ना, हमने केव गार्डन एक्सप्लोर किया था, वो कोई केव थी? यहाँ पे अगर आप अंदर जाएंगे आपको बैठ के जाना पड़ेगा, रेंग रेंग के जाना पड़ेगा आगे। आप बिल्कुल खड़े होके सोचे हम नवाब बन के यूं 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 चले जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको नीचे ऐसे बैठ के यूं यूं करके निकलना पड़ेगा। कई जगह पे तो आपको ऐसे टेढ़े होके चलना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल आप टेढ़े हो जाएंगे, अपने आप को संकरा सा करके, ऐसे बहुत संकरी सी केव है, ऐसे ऐसे करके निकलना पड़ेगा। लास्ट में जाके बहुत ऐसे स्टेयर्स भी आएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप सोचें कि सिंपल फ्लैट है, फ्लैट नहीं है, स्टेयर्स आएंगी, रस्सी आएगी। फिर रस्सी आएगी, रस्सी से आप नीचे चल लेंगे। सीढ़ी बहुत ऐसी नेचुरल स्टेयर्स हैं, पहाड़ों में से काट के बनाई गई हैं, तो कोई वैसे आपको अच्छी संगमरमर वाली स्टेयर्स की एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। केव में हैं आप, भूलिए नहीं, भोलेनाथ की गुफा में। आराम से नीचे जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे जब थोड़ा सा, तो आप पहुंच जाएंगे महादेव के दर्शनों के लिए। हर हर महादेव तो बनता है फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर लिखिए।
फिर आप भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, वहीं पे आप साथ में देखेंगे माँ पार्वती सुजज्जित हैं, उसके साथ में भगवान कार्तिकेय और ऊपर भगवान गणेश जी सुजज्जित हैं। और फिर इस तरफ अगर आप देखेंगे शिव परिवार, फिर जहाँ शिव जी होंगे वहाँ गंगा माँ भी होंगी ही होंगी, ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप करके दूध गंगा का पानी गिरता है। इस समय जो आपको पानी का कलर मिलेगा, जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं वैसा कलर है, लेकिन बताया जाता है, मान्यता है कि शिवरात्रि पे इस जो पानी है वो दूधिया रंग का हो जाता है। आप आगे राइट हैंड साइड पे देखेंगे शिव परिवार सुसज्जित है, और इस तरफ पूरा जो है सुदर्शन चक्र आपको दिखाई देगा, पूरा गुफा के गोल पूरे आकृति में, और इधर शेषनाग जी का पूरा फन फैलाया हुआ है और शेषनाग जी का कुंड भी वहाँ पे अवेलेबल है। फिर आप आगे की ओर बढ़ें फ्रेंड्स, फिर हम बाहर की ओर निकलने लगते हैं तो हमें जो ऊपर पंडित जी मिलते हैं जो बता रहे होते हैं साथ के साथ, वहाँ पे बिल्कुल छोटे से नन्हे से ओरिजिनल शिवलिंग बने हुए हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, प्रॉपर शिवलिंग की शेप है। आप कह नहीं सकते कि ओरिजिनल शेप, मतलब ऑर्गेनिक और जैसे प्राकृतिक रूप से वहाँ पे विराजमान है। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, पहाड़ी में ही बने हुए हैं, किसी ने नहीं बनाया इनको, ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पे विराजमान है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन करेंगे, शिव कोड़ी गुफा जिसके लिए हम कहते हैं, वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पे मौजूद हैं शिव जी की आरती उतारते हुए। अब मैं आपको वापस ले चलती हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास, वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ साथ वहाँ पे सप्तऋषि भी मौजूद हैं। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक गुफा सी दिखाई देगी जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर चले गए थे। और एक चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स, आगे अमरनाथ के लिए गुफा भी निकलती है जो कि बंद है हम सब श्रद्धालुओं के लिए। उस गुफा से बताया जा रहा था 2 साधु जी गए थे, एक साधु जी 6 महीने के बाद अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गए थे और एक साधु जी वहीं पे रास्ते में भगवान के पास चले गए थे। हर हर महादेव। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने रुद्राक्ष जो जाते वक्त लिए थे, अब वो हम छिलवा रहे हैं रुद्राक्ष। फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये रुद्राक्ष छीला जा रहा है, रुद्राक्ष होता है एक फल होता है और उसको छीला जाता है, उसको छीलने के बाद ही पता लगता है वो कितने मुखी रुद्राक्ष है। अभी देखते हैं हम इसमें से क्या निकलता है, कितने मुखी रुद्राक्ष है ये। छीलने के बाद इसे ब्रश किया जाता है, ब्रश करने से ही इसकी क्लैरिटी निकल के आती है कि कितने मुखी रुद्राक्ष है। ये भी 5 मुखी रुद्राक्ष है। इसमें छेद करना रहता है, छेद करके आप इसे गले में धारण कर सकते हैं। एक्चुअली छेद करना कोई टास्क नहीं होता, उसमें पहले से छेद होता है, मगर क्योंकि फल है उसके बीच में थोड़ी मिट्टी विट्टी रहती है, उसे आप निकालिए और बड़े आराम से आप गले में धारण कर सकते हैं। हर हर महादेव। बहुत ही बढ़िया व्यू है, पीछे पहाड़ है, साथ में गंगा जी की छन 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 पानी की आवाज आ रही है और पहाड़ों में ग्रीनरी, सनसेट का टाइम होने वाला है, बहुत ही बढ़िया व्यू। फ्रेंड्स मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ गणेश मुखी पर्वत। आप देखेंगे ऊपर जो है मुकुट की तरह, नीचे ऐसे आपको पूरी सूंड दिखेगी, देखिए ऊपर की तरफ आप देखिए पूरा ऐसे जैसे मुकुट होता है वैसे, थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको आंखें दिखाई देंगी और फिर आंखों की वजह से पूरा ऐसे पूरा इस तरीके से घूमता हुआ नीचे तक इनकी सूंड दिखाई देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी शिवखोड़ी की यात्रा संपन्न होती है। हर हर महादेव। हमारे दर्शन बहुत अच्छे रहे। हर हर महादेव। जय माता दी। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं नौ दुर्गा मंदिर। ये मंदिर कटरा से 17 किलोमीटर आगे स्थित है, शिवखोड़ी रास्ते में जाते समय आपको ये मंदिर पड़ेगा। ये मंदिर की शोभा जो है नदी के किनारे पे होते हुए पहाड़ों के बीच ढलान पे ये मंदिर स्थित है, जो कि बहुत आकर्षक लगता है श्रद्धालुओं को। जो लोग माँ वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं, काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पे नौ देवियों के दर्शन के लिए भी आते हैं। यहाँ पे माता के नौ रूप नौ पिंडियों के रूप में विराजमान है। आइए दर्शन करें। जय माता दी।
आप देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे भी, आगे गुफा बताई जा रही है और कितने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे भी आए हैं दर्शन के लिए। जय माता दी। हमने नौ देवियों के दर्शन किए। इसमें भी गुफा है जिसमें हमें बैठ के अंदर एंट्री करनी पड़ती है। अंदर शिव परिवार है और फिर सामने नौ देवियां हैं। नौ देवियों के दर्शन में बताया गया, हमने पंडित जी से पूछा ये मंदिर कब से है, तो उन्होंने बताया ये मंदिर जो है माता वैष्णो देवी के टाइम से यहाँ पर स्थापित है। बड़े भव्य दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। जय माता दी। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं बाबा जीतू जी के मंदिर में। जो जैसे कि श्रीधर जी माँ वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे, वैसे बाबा जीतू जी भी माँ वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। आइए जानते हैं पंडित जी से इस मंदिर का पूरा इतिहास। जय माता दी। तो जी है ना, ये इसी गांव के रहने वाले थे। ये इनका काम था हर रोज माता वैष्णो देवी जाना, उधर स्नान करते थे, फिर माता जी की पूजा करते थे और फिर अपने घर आके एक समय भोजन करते थे। इसी तरह चलते चलते जब 12 साल हो गए तो 12 साल के बाद गुफा में से आवाज़ आती है कि हे भगत, आप जो मांगना चाहते हो तो मांगो, कोई धन दौलत चाहिए, कोई राज गद्दी चाहिए। तो बाबा जी ने कहा, मैया मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, अगर आप देना चाहती हो तो मैं दो ही बार मांगता हूँ आपसे। एक तो आपके चरणों का जल, और ऐसा जल देना जिसके पीने से, स्नान करने से, चरण अमृत लेने से दुनिया के पाप कष्ट दूर हों, और दूसरा मैं हर समय आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो माता ने बोला ऐसा ही होगा, हाथ में जो छड़ी ली है उसको अच्छी सी जगह देख के जहाँ पर भी लगाओगे वहीं से दूध की धारा निकल आएगी, उसके बाद पानी की शक्ल में होगा और समझ लेना ये मेरा दिया हुआ जल है। तो माता बाबा जी ने घर आए, सामने जहाँ सात जगह पे लगाया उन्होंने, सातों धाराएँ पहले दूध की निकली थी, उसके बाद पानी की शक्ल में हो गया था। दूसरा वरदान मांगा था बाबा जी ने कि हर समय आपके दर्शन करूं। बाबा जी एक धारा के नीचे खुद स्नान करने के लिए गए, दूसरे दिन पगड़ी उतार के रखी, पगड़ी पहनते थे वो, उसमें फूल रखे थे पूजा करने के लिए। जब स्नान करके वापस आते हैं तो उसमें वो फूल गायब थे, उसमें छोटी सी बच्ची थी कन्या। तो फिर माता जी ने सपने में दर्शन दिए कि आगे कलयुग आएगा, मैं इस शेर पे सवार होकर तेरे आगे पीछे नहीं घूमूंगी, इस बच्ची को अपने पास रखना, जब जब इस बच्ची के दर्शन करोगे समझ लेना माता वैष्णो देवी जी को देख लिया। तब से ये जो छोटी कन्या ना माता वैष्णो देवी जी का अवतार कमल के फूल में से प्रकट हुई है बाबा जीतो जी के घर में। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये माता जी का क्या नाम रखा गया फिर? जी ऐसा है, बुआ कौड़ी जी, बुआ कौड़ी जी, माता वैष्णो शक्ति बुआ कौड़ी जी इनका नाम रखा गया। बुआ हमारी डोगरी भाषा में, जे एंड के में छोटी बच्ची को बोलते हैं, और गौरी बाबा जी इनको बुलाते थे। तो बाबा जी जब ऐसे चलो अब चलते चलते गौरी का कौड़ी हो गया, तो ये इनका नाम बुआ गौरी जी है असली नाम इनका। तो अब जैसे भगत की श्रद्धा को बुआ हमारे जे एंड के में छोटी बच्ची को बोलते हैं, तो कौड़ी बाबा जी ने इनका नाम रखा था। जय माता दी। जय माता। फ्रेंड्स, अभी हमने दर्शन किए बाबा जीतो जी के, और आपने पंडित जी से इस मंदिर का पूरा इतिहास जाना। आइए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे सात झरने पंडित जी ने बताया, जहाँ पे बाबा जी ने छड़ी लगाई थी। अब हम उस सकते हैं, ये पहला झरना है जो कि माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से बाबा जीतो जी को प्राप्त हुआ। यहाँ पे आके बाबा जी ने छड़ी लगाई थी तो ये पहला झरना बना। इससे पहले दूध की धारा निकली थी, फिर बाद में जल आना शुरू हो गया। ये पहला झरना। फ्रेंड्स देखिए, ये पांचवा झरना है और इसका तेज आप पानी का देख पा रहे होंगे कितनी तेज है। और यहाँ पे बाबा जीतो जी स्वयं स्नान किया करते थे। आइए थोड़ा जल लेते हैं। लोग यहाँ से जल भर के घर भी ले जाते हैं। इसको गंगा समान पवित्र माना गया इस जल को। जय माता दी। फ्रेंड्स, अभी हमने बाबा जीतो जी के दर्शन किए, जहाँ पे वो माता के दर्शन करने के लिए 12 साल तक जाते रहे और माता से वर प्राप्त किया। एक तो कन्या रूप में माता के दर्शन का डेली बेसिस पे, तो माता स्वयं अवृत हुई उनके यहाँ पे, और दूसरा इनके यहाँ पे जल की कमी थी तो बाबा जी ने यहाँ पे छड़ी लगा के सात जगह पे जल प्रकट किया।
तो फ्रेंड्स इससे हमें ये पता चलता है श्रद्धा श्रद्धा भक्ति सच्ची होनी चाहिए, माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। जय माता दी।